A telegraph post is bent at a point above the ground due to storm. Its top just meets the ground at a distance of 8√3 meters from its foot. Its top just meets the ground at a distance of 8√3 meters from its foot and makes an angle of 30 degrees. Then the height of the post is. एक लाइन दो बार लिखी हुई है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन बताता हूँ बेसिकली क्या है. देखिए, सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये एक ट्री है. क्या होता है, हवा आती है, तो हवा ज़ोर से आती है तो ये ट्री यहाँ से टूट जाता है और ये ऐसे करके नीचे गिर जाता है. ये वाला हिस्सा ऐसे बेंड हो जाता है नीचे की तरफ, ये यहाँ से मुड़ के ऐसे नीचे गिर गया. अब हमें क्या दिया है, जब ये ग्राउंड पे मिलता है तो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री. यहाँ पर ये एंगल कितना है, 30 डिग्री. हमें बतानी है हाइट ऑफ द पोस्ट. एक चीज़ हमें दे रखी है, द ग्राउंड इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर्स फ्रॉम इट्स फुट. कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8√3, ठीक है, ये डिस्टेंस है 8√3, ठीक है. अब हमें रूल पता है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री के सामने क्या होता है, देखिए 30 डिग्री के सामने होता है अगर x, तो ये होता है x√3. ये रूल मैंने आपको बताया था ना, देखिए आप, अगर 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है x, तो ये 60 डिग्री के सामने कितना होता है, x√3. मतलब ये वाली साइड x, तो ये वाली साइड x√3, ठीक है. तो ये x, तो ये x√3. आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. तो बस ये है x, ये है x√3. अब ये कितना हो गया, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2x. ये कितना हो जाता है, 2x, ठीक है ना, ये हिस्सा है 2x. तो ये x, तो ये 2x. अब देखिए हमारे पास क्या है, बेसिकली हमें बतानी है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास x√3 की वैल्यू कितनी है, जो x√3 है वो है 8√3. तो x कितना हो गया, 8. टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की टोटल हाइट कितनी है, ये है x और ये वाला हिस्सा है 2x. ये वाला पोर्शन ब्रेक होके यहाँ आके गिर गया, तो मतलब ये भी कितना हो गया, 2x. तो ये कितनी होगी, x प्लस यानी 3x. 3x यानी 3 × 8, 24 इज द आंसर. कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन 3. आई होप क्लियर होगा सबको.